अगर आपने भी कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ में निवेश किया है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में कि किस तरीके से आप जो है आपका अलॉटमेंट स्टेटस जान सकते हो। कौशल्या लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इस आईपीओ में आपको कितना फायदा हो सकता है, ग्रे मार्केट क्या है और कंपनी किस बिजनेस में है। ऐसे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। उससे पहले आप सभी को बता दें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी बेहतर इन्हें। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि आईपीओ का अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर जो है वो रियल टाइम ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट होता है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब यहाँ पर आप नीचे नीचे करते हुए जाओगे तो यहाँ पर कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 55 रुपये तक पहुँच चुका है, यानी कि 70 से 73% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर अगर हम केसी एनर्जी की बात करें तो उसमें भी आपको 111% तक का जो है वो लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप नीचे नीचे करते जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, जैसे कि हाउ टू चेक कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। सबसे पहले तो आपको कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के रजिस्ट्रार के बारे में तो यहाँ पर जो वो स्काईलाइन फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ये उसकी लिंक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर जो है वो आपको एंटर करने और सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वेबसाइट पर आओगे तो इस तरीके से वेबसाइट है। सबसे पहले तो आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि इस कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको DPID से अगर आप देखना चाहते हो तो DPID से भी देखा जा सकता है, एप्लीकेशन नंबर से भी देखा जा सकता है और पैन ऑफ इन्वेस्टर यानी कि पैन कार्ड जो होता है उससे भी यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर आपको जो वो पैन कार्ड नंबर एंटर करने और सर्च पर क्लिक करना है। लेकिन जब बाजार में IPO का अलॉटमेंट आएगा तो यहाँ पर अलग से कंपनी का नाम आ जाएगा, उसे सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो है पैन कार्ड नंबर एंटर करने हैं।